Hey guys, welcome to another video. और आज लगभग 10 से 15 दिन के बाद, 15 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, हाँ शायद 10 दिन हो गए. 9 तारीख को आया था, आज 21 तारीख है, तो शायद 12 दिन हो गए. और अब लगने वाली है दोबारा 1150 किलोमीटर की राइड खींच के आ रही थी. और ये मेरी बाइक जो है वो रेडी है, सामान बिल्कुल लग चुका है इसके ऊपर. चारों तरफ से कुछ चीज़ें रह गई थी तो ये मैंने ऊपर से इनके अंदर अटका दी है. और अब आगे का सफ़र हम चलते हैं. मेरे जो कैमरा है आगे का उसमें आवाज़ सही से नहीं आती, तो शायद आवाज़ सही से ना आए, लेकिन फिर भी अपना पूरा सफ़र दिखाने की आपको कोशिश करूँगा. बने रहिए वीडियो में. चैनल अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और ना लगे तो भी सब्सक्राइब कर लेना. कुछ जाता तो है नहीं, वैसे भी बहुत कम सब्सक्राइबर हैं. बाकी आपका सपोर्ट रहा तो बहुत जल्दी और भी लंबी लंबी राइड लगाएंगे. सोचा तो है मैंने दिल्ली से लेकर रामेश्वरम तक की राइड लगाऊँ, लेकिन देखते हैं कब वो समय मिलेगा, कब वो वक्त आएगा, कब बाबा बुलाएंगे, कब भगवान रहमत करेंगे, मेहनत वो क्या बोलते हैं उसे, कृपा करेंगे. 1105 किलोमीटर टोटल चलानी है हमको गाड़ी, और हमारे को लगेंगे 20 घंटे 47 मिनट अगर मैं नहीं रुका तो, क्योंकि गूगल मैप रुकने का हिसाब नहीं लगाता. क्या पता शायद लगा भी दे. जय माता लक्ष्मी, जय माँ सरस्वती, जय माँ काली, ओम नमः शिवाय. श्री सदाए, ओम नमः शिवाय, गुरु सदाए. सब कुछ रेडी है. अब बलानी जी चल रहे हैं मेरे को छोड़ने के लिए. बस सबसे पहले मुझे बस यहाँ से गेट से बाहर निकलना. और जो मैंने पीछे सेटिंग करी है ना, सेटिंग ऐसी हो गई है कि पीछे मैं आराम से टेक लगा पा रहा हूँ. पीछे वजन थोड़ा ज़्यादा है तो उसकी वजह से थोड़ा सा हिलता डुलता है गाड़ी. और जब मैं आया था मैंने ग्लव्स नहीं पहने थे राइडिंग, और अभी जा तक मैं राइडिंग ग्लव्स पहना हूँ. बनाई जगह है अपने गेट खोलने के लिए. ओके बाय बाय. एकदम परफेक्ट हैं. अरे रुको 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 रुको, छोड़ो छोड़ो, आचो आचो. अभी सबसे पहले मुझे गांव पार करना है, और गांव पार करके पेट्रोल भरवाना है. पीछे टॉप बॉक्स की तरह लगा हुआ है सामान, तो थोड़ा सा बैलेंसिंग कभी कभी दिक्कत होती है. मुझे ऐसा लग रहा है कि समय जो चार्जर है, जो चार्जर चार्ज कर रहा है वो खराब हो चुका है. जो चार्जर मतलब मौसम खराब है, जो चार्जर है मूड खराब हो गया. उल्लू जी पहला हाईवे आ गए, और पानी देखो ना, पानी बिल्कुल बरसात है मेरे ख्याल से. और मुझे आज बड़े सारी बरसात मिलने वाली है, बरसात मिलने की चीज मिल रही है मेरे को. अभी मैंने बाइक रोकी है, आगे बरसात आ चुकी है. जगह है क्या पीछे? पीछे जगह है. पानी पहन लिया है इनको, क्योंकि आगे बरसात चालू हुई है, और अब आगे की रिकॉर्डिंग शायद ना हो. जबरदस्त बरसात का सामना वहां पर. दिस ऑल इज धोलेरा, वहां पर बादल हैं खतरनाक वाले. तो अभी रेनकोट उतारने का टाइम आ गया, क्योंकि बरसात चली गई है. उधर कहीं बादल हैं, लेकिन वहां पर से मेरा कोई दूर दूर तक सरोकार नहीं है, चारों तरफ बादल हैं. और यहां पर ये नमक की खेती होती है, और ये ढोलेरा वाला रास्ता है. ये फ्लाईओवर है, पूरा ताबड़तोड़ एकदम टॉपो टॉप रोड बना हुआ है. और इधर भी सारी नमक की खेती हुई है. स्मार्ट सिटी शायद थोड़ा आगे या शायद पीछे है, मेरे ख्याल से शायद आगे है, जो कि अभी बिल्कुल भी स्मार्ट नहीं है. बस ये रुक के मैंने आपको दिखाया, अब बस मैं ये उतारता हूँ और आगे का सफ़र तय करता हूँ, क्योंकि मेरा जो कैमरा है ये ऑलमोस्ट कभी भी बंद हो जाएगा, तो मेरे को इसी तरह रुक रुक के ब्लॉग करना पड़ेगा. और इस कैमरे के रिटायरमेंट का टाइम है, ये आखिरी वक्त है इसका, उसके बाद मैं इसको चेंज करने वाला हूँ. चले गई साइड में भी निकले. फाइनली अब हो गया पहला वाटर ब्रेक, और पता नहीं कौन सा टोल है, टोल अभी बन रहा है, और यहाँ पर मैं रुकाऊँ. और किलोमीटर की बात बताता हूँ आपको, कितने किलोमीटर चल चुका हूँ. फिलहाल मैंने पानी की बॉटल ली है, और उसके साथ में मैंने इलेक्ट्रॉल जो मैं लेके आया था वो मैंने इसमें मिलाया, इसमें नहीं मिलाया मतलब ऊपर से पी गया.
1003 किलोमीटर बाकी है। तो 1003 किलोमीटर बाकी है, 20 घंटे 24 मिनट लगेंगे, कल पहुंचूंगा 1 बजे। और ये है आज जो डेट है, वो डेट देख लो यहाँ पर, एक बार डेट एग्जैक्ट दिख नहीं रही है, 21 सितंबर, दिखाता हूँ डेट आपको एक बार। अहमदाबाद में एंट्री कर गया हूँ मैं, एक बोतल पानी पर पिया था और मेरे से आधा बोतल पसीना निकल गया होगा, और वो पसीना मतलब कब उड़ गया पता नहीं चला, तो आगे और पानी पीने की ज़रूरत पड़ने वाली है। उसके अलावा ये देखिए, ये हमारे 19 आवर 42 मिनट का सफ़र बचा है और 970 किलोमीटर बाकी है। अब बस ऐसी व्लॉगिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि ये हमारा जो महान कैमरा है, ये वाला, ये गया उड़ गया ये कैमरा, ये इसका रिटायरमेंट लगता हो चुका है। अब घर जाएंगे, देखेंगे जितनी फुटेज जिससे हो सकेगी होएंगे करेंगे, और अगर आज आगे मुझे कोई ऐसी दुकान मिल जाती है, यू नो लाइक मोबाइल की कोई दुकान मिल जाती है, तो फिर मैं कोई चार्जर किसकी वायर खरीद के इसको चार्ज कर लूँगा, वरना तो कोई फ़ायदा है नहीं। और अब मैं लगाऊँगा गाने वाने, और उसके बाद मैं सीधे से चलूँगा अहमदाबाद पार कर दूँगा। अहमदाबाद के नज़ारे कुछ ऐसे हैं, इस तरह से स्काईलाइन बिल्डिंग है, और पूरे रोड पे यही सारी ऐसी बिल्डिंगें हैं सारी यहाँ पर। अहमदाबाद वाकई बहुत अच्छा शहर है, गजब का शहर है। एक दिन स्पेशल इस शहर के अंदर आऊँगा मैं, और ये पूरा एक्सप्लोर करने की कोशिश करूँगा। मतलब मेरे को यहाँ के यू नो लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बहुत बढ़िया है, एक तरह से दिल्ली की, इंडिया की मेट्रो सिटी है, सिटी है समझ लो ये, ठीक है। चलिए आगे का सफ़र करता हूँ मैं, और कैमरे को रख वापस रखता हूँ इसके अंदर। फाइनली मैं पहुंच गया गुजरात की राजधानी, पहुंच नहीं गया मतलब ख़त्म कर दी, निकाल दिया गुजरात की राजधानी। यहाँ पे लिखा हुआ है गुजरात की राजधानी की मुलाकात के लिए धन्यवाद, बहुत ही बढ़िया लाइन लिखी है। तो अब रह गए 933 किलोमीटर, ये देखिए 933 किलोमीटर रह गए अभी, अरे तक 933 किलोमीटर टोटल रह गए। और मैं अभी कितना चल चुका हूँ, मैं अभी चल चुका हूँ, अरे भाई कहाँ गया, 201 किलोमीटर, बहुत ज़्यादा तो नहीं चला, 201 किलोमीटर चला हूँ कब निकला था ये तो मैं तो याद भी नहीं है ना, कब निकला था, टैक्सी बुलानी से पूछना पड़ेगा कब निकला था, कब मैंने लास्ट लोकेशन डाली थी, जब मैं पहुँचूँगा ना तब बता दूँगा कब निकला था। तो 1:30 कल पहुँचूँगा मैं, अगर मैं कहीं रुका नहीं हूँ, मेरे ख्याल से ये 50 की स्पीड ले रहा है तो शायद कोई दिक्कत नहीं है, मैं पहुँच जाऊँगा। तो अभी पहुँच गया मैं हिम्मत नगर, और यहाँ पर मैं खा रहा हूँ ये, क्योंकि रात को पता नहीं खाना दोबारा मिले ना मिले। अभी मैंने पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरवाया है, और मेरा वो थोड़ा सा कुछ टूट गया था, ये टूट गया था, मैंने रबड़ दिया भैया से, भैया ने बहुत हेल्प करी मेरी। और ये कौन सी जगह है, ये असाल है, सामला जी के, ये असाल है 5 किलोमीटर के पहले, सामला मतलब गुजरात में अभी, हाँ गुजरात में, और बस आगे मेरे को राजस्थान में एंट्री करनी है, और मेरा 808 किलोमीटर बाकी है अभी, 808 किलोमीटर बाकी है, 15 घंटा 13 मिनट लगेंगे। तो मैं आगे मिलता हूँ आपसे, और मुँह में मैंने मावा डाल लिया गुजरात का स्पेशल, अब गुजरात आए हैं तो कुछ तो सीख के जाएंगे, तो यही सीख लिया मावा खाना। मावा कैसा, अच्छा है, बढ़िया एकदम मावा। सो गाइस फाइनली मैंने गुजरात पार कर लिया, गुजरात पार कर लिया मैंने, और यहाँ पर आप देखो ये लगा हुआ है सीमा, ये आप देखो ये क्या है, ये है सीमा समाप्त राजस्थान, और उधर ऐसे लिखा हुआ है कि राजस्थान में स्वागत है। और यहाँ पर शुरू होते के साथ ही आपको मिलेगा मोटल RTDC वाइन शॉप, अंग्रेजी शराब की देसी दुकान। तो सीमा ख़त्म होते के साथ ही भाई ने ठेके की दुकान खोल दी, मतलब दारू की दुकान खोल दी। तो यही है, आगे का सफ़र देखता हूँ कितना रह गया है, आगे का सफ़र आपके भाई का रह गया है 789 किलोमीटर, 11:40 में पहुँचूँगा मैं, तारीख देख लो भैया, तो ये ना कहे कि बाद में कि कुछ और ही दिखा रहा है हमारे को, 21 सितंबर है ये, ठीक है ना, सितंबर 21 ये घूमी। तो चलो दोस्तों कैमरे को रखते हैं अंदर और आगे चलने की तैयारी करते हैं, क्योंकि ये कैमरा तो हो गया काम, इसका तो काम हो गया, तो वैसे ही ब्लॉक करना पड़ रहा है, लेकिन मेरी राइड शानदार चल रही है, बहुत बढ़िया। उदयपुर से पहले कहीं पे हूँ मैं, और रात हो गई है, रात के अंधेरे अंधेरे में ब्लॉक चल रहा है। चीयर्स।
गजब की ठंडी है, गजब की ठंडी। ड्रिंक और चिप्स खा लेते हैं क्योंकि रात को मेरे को कुछ खाना नहीं है, क्योंकि अगर मैंने रात को कुछ खाया तो मेरे को नींद आ सकती है और मेरे को सोना नहीं है, चेहरा भी ख़राब हो रहा है, मुझे सोना नहीं है। मैंने टारगेट बनाया है कि सुबह 9 बजे तक मैं दिल्ली पहुंचना है मेरे को। और अभी अगर मैं टाइम की बात करूं तो 9:24 हो रहे हैं, मैंने 12 घंटे में दिल्ली पहुंचने का प्लान बनाया है, शायद 700 कुछ किलोमीटर और रह गए, तो देखता हूं मैं 12 घंटे में ये क्लियर कर पाता हूं नहीं कर पाता हूं। दिक्कत ये है कि मेरे पास एक्शन कैम मेरा ख़त्म हो चुका है और चार्ज वो हो नहीं रहा है, तो मैं और वैसे भी रात का टाइम है तो उसकी रात की फुटेज बहुत गंदी आती है, तो वो मेरे किसी काम का फ़िलहाल रहा नहीं। अब आप जब लोग जब चैनल को सब्सक्राइब करके थोड़े मिलियन सब्सक्राइबर कर दोगे तब नहीं यार मिलेंगी क्या जल्द, तो लाखों में ले लूँगा यार। एटलीस्ट मोनेटाइज तो करवा दो, आगे पीछे की सारी वीडियो देख लो, ऊपर नीचे की सारी वीडियो देख लो, वॉच टाइम दे दो प्लीज़, और मोनेटाइज करवा दो चैनल, उसके बाद देखना तुम्हारे भाई का जलवा, बढ़िया वाला मस्त वाला। चिप्स खाओ, व्लॉग बनाओ। अब मैं आराम से चिप्स खाता हूँ और उसके बाद कैमरा पहले अंदर रखता हूँ, चिप्स खाता हूँ और यहाँ से निकलता हूँ, बहुत लंबा सफ़र है, 12 घंटे पूरा करना है। फाइनली रात के हो रहे हैं 10:43 11 बजे और मैं पहुँच गया उदयपुर, और देखो उदयपुर का नज़ारा, इस तरह के बहुत सारे होटल हैं उदयपुर में, और मेरे को GPS कह रहा है कि अंदर घुस जा, एक से कह रहा है बाहर चला जा। ये देखो ये है हमारा GPS और ये हमारे को गूगल कह रहा है अंदर घुस के चले निकल जाओ, जबकि ये एक रास्ता बाहर का भी है जो पूरे उदयपुर को बाईपास करेगा। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि अंदर से जाऊँ कि बाहर से जाऊँ, तो वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, लेकिन मैं अंदर से जाऊँगा। अंदर से मैं इसलिए जाऊँगा क्योंकि अंदर से मेरे को शॉर्ट पड़ेगा और रात का टाइम है तो उदयपुर अंदर से खाली भी होगा, थोड़ा बहुत नज़ारे मेरे को देखने को मिलेंगे, लोग होंगे, लेकिन वो सब तो मेरे को देखने को मिलेगा, आप तो कुछ देख नहीं पाओगे। तो अब मैं कन्फ्यूज हूँ कि कहाँ से जाऊँ, राइट से जाऊँ या लेफ़्ट से जाऊँ, इधर से जाऊँ, इधर बाईपास है, ये सिटी के अंदर है, तो अब कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे को, क्या डिसाइड करूँ। अंदर से निकलता हूँ, वो लाइट चली गई भाई यहाँ पर, होटल। सो गाइस पूरा उदयपुर मैंने अंदर से पार कर लिया, बाइक पीछे खड़ी है, लाइट भी जल रही है, और अब रह गए पूरे 700 किलोमीटर एग्जैक्ट, और टाइम हो रहा है पूरे रात के 11, बिल्कुल एग्जैक्ट 11 बज रहे हैं। एक्चुअली मैं एक मिनट ही अभी हुआ है जब मैंने कैमरा निकाला और कैमरा चलाया, वो करते यहाँ पर एक मिनट हो गया, ये देखो 11 बज रहे हैं, ये दिस इज़ द टाइम, 23:01, ठीक है, और ये मेरे रह गए हैं पूरे 700 किलोमीटर, और अभी उदयपुर मेरे को अंदर से पार करना है, और उदयपुर शायद मेरा पार होने वाला है, बस यहाँ से एक कट लेना है, उसके बाद यहाँ से फिर मैं वापस हाईवे पे आ जाऊँगा, और अगला फिर मेरा पड़ाव होगा नाथद्वारा। सो और नाथद्वारा में ना शिवजी जी की एक मूर्ति है, यूनिटी ऑफ पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, मैं थोड़ा सा भूल गया, मैंने लिखा देखा था, तो अब वहाँ तक जाना है। अरे यार उदयपुर में भी ना बहुत बढ़िया बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, मतलब जैसे अपार्टमेंट होते हैं ना, ये मेरे सामने एक अपार्टमेंट है जो मैंने अभी देखा है। तो बस अब यहाँ से आगे चलते हैं, और होप करता हूँ आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और अगली बार ना मैं पूरी तैयारी के साथ लॉन्ग राइड मारूँगा, और मैं रिकॉर्ड सेट करूँगा नॉन स्टॉप राइड के, एक बार बस मेरा कैमरा सेट हो जाए, मैं सेट हो जाऊँ, उसके बाद मैं रिकॉर्ड सेट करूँगा, और आप 1000 सब्सक्राइबर कर दो ना, उसके बाद तो पक्का करूँगा, क्योंकि मैं देखता हूँ लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, पर कोई बात नहीं, इस बार सब्सक्राइब ज़रूर करना। ये सामने टनल है और अब मैं इसको मिस कर रहा हूँ, अगर ये होता तो ज़बरदस्त वाली फुटेज आती, पर नहीं है, होपफुली आगे हो जाएगा यार, लेकिन यहाँ पे भी एक टनल है और सामने भी टनल है, ये जाने की टनल है, वो आने की टनल है, आते वक्त वो आने की थी और ये जाने की थी, अब मैं ये टनल को पार कर रहा हूँ। दिस इज रिस्की व्लॉगिंग, हाथ में कैमरा गले में टांग रखा है मैंने, शानदार यार, बहुत ऊंची है ये टनल, बहुत ऊंची है, जब आओगे ना कभी यहाँ पर तब समझ में आएगा कितनी ऊंची है। चलो अब इसको अंदर रख लेते हैं,
अभी चल रही है वीडियो कॉल और टाइम हो रहा है 11:00 हो रहा है 11:49 और मैं खड़ा हूँ स्टैचू ऑफ बिलीव के सामने। शिव जी की बहुत बड़ी मूर्ति है ये और साथ के साथ मेरी चल रही है वीडियो कॉल दोनों हमारे जो प्यारे भाई हमारे वीडियो कॉल पे। और बस अभी जब मैं आगे जाके मुड़ूंगा ना तो ये बिल्कुल फ्रंट पे आ जाएगी की मूर्ति। तो ये बज रहे हैं 12, यहाँ पर 12:03, यहाँ पर आपको दिख रहे 11:58, रह गया 614 किलोमीटर। क्या हो गया, काकसली भीलवाड़ा अजमेर 227, ठीक है। और यहाँ से टोल रोड समाप्त है, ये लिखा है ना टोल रोड समाप्त, लेकिन उस साइड लिखा है टोल रोड प्रारंभ। तो यहाँ पर क्या था ना, लाइट अच्छी थी तो मैंने कहा यहाँ पर एक शॉट लिया जाए। अब एक ढाबे पर रुका हूँ, खाट वाट सब अच्छी है लेकिन खाने को सब ख़त्म हो चुका है क्योंकि टाइम हो रहा है लगभग एक बजे, कोई क्या खाने को देगा मेरे को, तो कुछ खाने को नहीं है यहाँ पर। भाई ने कहा कि आगे जाके देख लो, अब शायद मुझे आगे जाना पड़ेगा। भाई साहब नींद आ रही है अब तो अगर गिर गया ना ये खाट पे, 2 घंटे की नींद मार लूँगा। 1:15 हो गया और मैंने यहाँ पर कमर सीधी कर ली है और कमर सीधी भी कर ली है और मुंह भी धो लिया, तो अब मेरा चेहरा जो है वो थोड़ा ठीक लग रहा है पहले के मुकाबले। और अब मैं आगे जा रहा हूँ, 2 किलोमीटर दूर एक होटल है, मतलब इस तरह का ढाबा है, और वहाँ पर खाना मिल जाएगा, भाइयों ने बताया मेरे को। चलो अब 2 किलोमीटर आगे चलते हैं। अभी रुक गए हैं खाना खाने के लिए, 2 किलोमीटर आगे जाना था लेकिन शायद 150 किलोमीटर आगे आ गया हूँ। यहाँ पर मैं इसलिए रुका हूँ क्योंकि यहाँ पर खाट है, तो खाने के बाद हम थोड़ी देर सो भी सकते हैं। हमारी प्यारी बाई तो ये है यहाँ का ये ढाबा और ये हमारी खाट बिछा दी है, तो हम इस खाट पर बस 1-2 घंटे सोऊंगा मैं, 1-2 घंटे सो के यहाँ से अपन निकल लेंगे। भाई ने हमारे को चादर भी दे दिया यार, थैंक यू भैया। यार ये सर के नीचे लगा दूँ इसको, तो ओढ़ने के लिए कुछ और नहीं है, अगर है तो दे दो नहीं तो कोई बात नहीं। ये तो बहुत अच्छे लोग हैं यार, मज़ा आ गया। आसमान के नीचे सोएंगे आज हम। अब होटल में कमरा लेने में कितना खर्चा, यहाँ पर सिर्फ खाओ खाट लो और सो जाओ, बेहतरीन वाला मामला है ये। अब अगर हमने होटल लिया होता तो क्या होता, सबसे पहले तो मेरे को बाइक खोलनी पड़ती, सारा सामान खोलना पड़ता, उसके बाद मेरे को कुछ करना पड़ता। अब मुझे बाइक नहीं खोलनी, सामान नहीं खोलना, सारा काम हो गया। थैंक यू भैया, अरे वाह भैया ने सराहना भी दे दिया मेरे को और उड़ने के लिए भी दे दिया। गुड मॉर्निंग, सुबह के 7:00 रात को खटिया पे सो जाता, वापस उठ गया हूँ, अभी मुँह वगैरह धोऊंगा, चाय वगैरह पीता हूँ, फिर यहाँ से आगे का प्रोग्राम जो भी है वो बनाता हूँ। तो गाइस बाइक, तो गाइस बाइक स्टार्ट कर दी है आगे के सफ़र के लिए, लेकिन एक बड़ा चमत्कार हुआ, जो कैमरा है वो चार्ज होने लगा है, ये देख रहे हो आप, कैमरा चार्ज होने लगा है, लाल लाइट यहाँ पर जल रही है। अभी क्यों चार्ज होने लगा है मुझे नहीं पता, ये अभी ऑफ है और ये चार्ज हो रहा है, तो अभी 1-2 घंटे इसको चार्ज करेंगे, उसके बाद इससे थोड़ी फुटेज लेंगे, ठीक है। तो बस अब यहाँ से निकलते हैं, एक बार देख लेते हैं कितना रह गया। भाई तगड़ा खींच दिया, 456 किलोमीटर रह गया टोटल, 496, 500 किलोमीटर करीब रह गया बस टोटल। सो हे गाइस, यहाँ पर एकदम शांत माहौल है और यहाँ पर मैंने रुकने का डिसाइड किया, और जो मेरा कैमरा है ना वो चार्ज ही नहीं हुआ, इसके अंदर बैटरी जो है ये इतनी देर से चार्जिंग पे लगा हुआ था, बैटरी थोड़ी इसकी देख रहे हैं आप, क्या दिखाऊं यार, बैटरी बहुत ही थोड़ी सी बैटरी है, मतलब चार्ज नहीं हो रहा, लग रहा है कि चार्ज हो रहा है पर चार्ज नहीं हो रहा। और सामने वो हार्वेस्टर जा रहा है, ये जा रहा हार्वेस्टर, और मेरा अभी रह गया है 371 किलोमीटर। दोपहर की 1:25 हो रहा है और मैं गुड़गांव पहुँच चुका हूँ, ये सारा गुड़गांव है और अभी गुड़गांव शुरू हुआ है, अभी तो आ गया एक्चुअली गुड़गांव, तो
तो गुड़गांव यानी गुरुग्राम। अब यहाँ से मेरे को घर जाना है वापस, अब मतलब घर तक जाना है, और घर जाऊँगा सीधा अगला शॉट घर पे लूँगा। बीच में जयपुर आया था, जयपुर का मैंने शॉट नहीं लिया, मन ही नहीं कर रहा था निकालने का, क्योंकि ये जो अपनी ट्रिप है ना, ये एक तरह से असफल ट्रिप है, क्योंकि कैमरे ने काम नहीं किया और मैं रोड का कुछ दिखा नहीं पाया। तो जो व्लॉग हुआ इसी तरह से हुआ है, स्टार्टिंग में रोड का था जो था, तो इसलिए ये एक असफल ट्रिप है यूट्यूब की नज़र से, लेकिन बहुत ही मज़ा आया। अब मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, तो मैं घर जाऊँगा, आराम करूँगा। शायद 40 किलोमीटर घर अभी रह गया है, 40 किलोमीटर मुझे और चलाना है।